हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम पूनम छेन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी क्रीमी टमेटो सूप। देखिए कितना लाजवाब सूप है, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। और बच्चों के लिए आप देखिए, मैंने क्रीम को बिल्कुल ऐसे मेल्ट कर दिया और बहुत ही ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है। तो ये सूप की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है और अगर आप इसको बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ की हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फटाफट सूप की रेसिपी देख लेते हैं। तो सूप बनाने के लिए यहाँ पे 3 टमाटर ले लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन लिया है, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और उसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप रफली चॉप कर सकते हैं सभी चीज़ों को, क्योंकि हमें बॉईल करना है तो आप रफली ही चॉप कर लें। अब एक पैन में पानी लेंगे, ये आप ले लीजिएगा 1.5 ग्लास। 1.5 ग्लास पानी लिया है, ऑनियन को डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने चॉप कर लिया है। टमाटो भी देखिए रफली चॉप किया है, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए लहसुन को भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, अदरक को भी बारीक बारीक चॉप किया है, लेकिन अभी हम सिर्फ थोड़ी सी अदरक इसमें डालेंगे। थोड़ी सी अदरक और लहसुन हम बचा के रखेंगे, बाद में फ्राई करेंगे। 3 से 4 ये लौंग है, इसको डाल देंगे। 5-6 ये काली मिर्च है, इसको भी डाल देंगे। कुछ मसाले डालेंगे क्योंकि ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए कुछ मसाले हम इसमें डालकर बनाएंगे और बच्चों को ये सूप बहुत ही फायदेमंद है, तो इस तरह से एक बार आप बना के देखिएगा। 1/2 स्पून सॉल्ट डाल दे रहे हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर आप इसको बॉयल होने दीजिए। सॉल्ट डालने से क्या होगा कि हमारे टमाटो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसको ढक दिया है, जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि ये देखिए टमाटो गल गए हैं। इस तरीके से दबाकर देख लीजिएगा जिससे कि हल्का हल्का मैश हो रहा है। बस इसी तरीके की स्पेस में हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको साइड में निकाल के रख के हल्का ठंडा करके पीस लेंगे। इसको ठंडा करके पीसें, ध्यान रखें बहुत ज़्यादा अगर गर्म में आप पीसेंगे तो मिक्सी का जो जार होता है उसका ढक्कन खुल सकता है, इसलिए इसको ठंडा ज़रूर कर लें। ये ठंडा हो गया देखिए, तो बस इसको मिक्सी के जार में डाल के हम पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह का पेस्ट बनकर रेडी होगा, बिल्कुल महीन कर लिया है इसको हमने पीस के। अब इसको छान लेते हैं छन्नी से। अब एक बाउल लेंगे, बाउल के ऊपर से छन्नी रख दें, छन्नी से हम इसको छान लेंगे जिससे कि स्मूथ बिल्कुल पेस्ट बनकर रेडी होगा। तो थोड़ा सा छन्नी में ये देखिए छान कर हमने इसको अलग कर लिया है। अब हम टमाटो सूप बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सेम पैन ले लिया है, उसको गर्म कर लेंगे। 2 चम्मच इसमें बटर डालें, इससे क्या है जो हमारा सूप बनेगा बिल्कुल बटरी बटरी बनेगा। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, इसको मेल्ट कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक डालेंगे जो कि हमने बारीक चॉप किया है। बटर बहुत ही जल्दी जल जाता है तो पूरा मेल्ट नहीं करेंगे, इसी में हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक। इसको थोड़ा सा ही हमें इसके साथ में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा जो गार्लिक का कच्चापन होता है वो निकल जाना चाहिए। देखिए 1 ही मिनट हमने, 1 से क्या आधा मिनट हमने सिर्फ इसको भुना है। अब इसमें जो हमने टमाटो की प्यूरी बनाई है इसको भी डाल देंगे और इस तरीके से मिक्स कर दें। एक बार थोड़ा सा पानी डाल दें सेम बाउल में लेकर, इसमें डाल देंगे। इसको 2 मिनट हम पका लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रख लीजिए, इसमें बॉईल आ जाने दीजिए। जब तक हमारा सूप पक रहा है हम जो ब्रेड है होती है उसकी स्लाइसेस मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और इनको क्रंची कर लेंगे। तो मैंने एक जो फ्राइंग पैन है उसमें बटर डाल दिया है, बटर के ऊपर इनको हम सेंक लेंगे, हल्का कुरकुरा हो जाएगा ये। इस तरीके से रख दीजिए बटर के ऊपर आप, दोनों साइड बटर लगा के इनको क्रिस्पी होने तक हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा बटर और लगा दें अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ये जब क्रिस्पी होते हैं ना और सूप में जाएंगे, वाह क्या बात है, फिर तो मज़ा आ जाएगा। ये देखिए क्रिस्पी हो गए हैं एकदम से, इनको हम साइड में रखते हैं। उधर हमारा सूप भी बॉईल होने लगा है तो उसको देखते हैं। अब इसमें 1 स्पून शुगर डाल देंगे, इससे हल्का सा मीठा टेस्ट आएगा। 1/2 स्पून नमक डाल देंगे, नमक हमने पहले भी डाला है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। ये मैंने 1 स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला घोल बना लें और इस तरीके से इसको मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा डालकर इस तरह से हिलाते जाएं और इसे हिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो कॉर्नफ्लावर है इसकी गांठें बन जाएंगी। तो इस तरीके से
आप हिला दें थोड़ा सा और एक बॉईल आने लगेगा, तब आप इसको हिलाना बंद कर दें। देखिए इसमें एक बॉईल आ गया है और आप देखेंगे कॉर्नफ्लोर जैसे ही हमने डाला तो थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो बस जब टमाटो सूप हम लोग मार्केट में लेते हैं या रेस्टोरेंट में जब भी पीते हैं तो थोड़ा सा ठीक होता है, उसका रीज़न यही है। मार्केट में आर्टिफिशियल कलर का भी यूज़ करते हैं लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं किया और देखिए कितना ब्राइट कलर आ रहा है सूप का, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल रेड रेड टमाटो सूप। सर्दियों में इस तरह से बनाकर ज़रूर पिएं और बच्चों को ज़रूर पिलाएं, बहुत ही हेल्दी होता है सूप। छोटा हाफ स्पून ये विनेगर डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आएगा और सूप बिल्कुल मार्केट टेस्ट में बनेगा। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए। गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ ये नूडल्स डालूंगी, ये मैगी नूडल्स हैं। इससे क्या होता है बच्चे बहुत ही पसंद करके इसको खाएंगे। आप देखिएगा इस तरह से बनाइएगा और बताइएगा कि किसके किसके बच्चों ने इस तरह से सूप को पसंद किया, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि ये मैंने घर पे अपने ट्राई किया, मेरे बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया है और ये सेम मैं अपने घर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जैसा कि मैं सूप बनाती हूँ घर पर। और इसको इसी तरीके से डालकर ढक दें एक मिनट के लिए। एक बाउल लेंगे, सर्विंग बाउल लेंगे और इसमें जो हमने ब्रेड के टोस्ट बनाकर रेडी किए हैं इसको इस तरीके से रख दीजिए और सूप को इसके ऊपर डाल दें। इसको थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट देने के लिए हल्की सी क्रीम डाल दें इस तरीके से। ये देखिए एक मैंने पुदीना की लीफ डालकर इस तरह से सर्व किया है, बहुत ही यमी ये सूप बनकर रेडी हुआ है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।